सुना और उनकी तरफ से किस तरह से रमेश विदुड़ी को लेकर वो निशाना साधती हुई नजर आई। दिल्ली के छतरपुर में दरअसल पत्थरबाजी जो है वो की गई, जल बोर्ड के दफ्तर पर ये पत्थरबाजी हुई और इसी को लेकर आतिशी ने रमेश विदुड़ी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पत्थरबाजी करने वहां पर पहुंचे थे वो रमेश विदुड़ी को लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जल बोर्ड के ऑफिस के शीशे टूटे हैं, दिल्ली में जल बोर्ड के दफ्तर पर पथराव जो है वो किया गया और पथराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में नाराजगी है पानी को लेकर, पानी का संकट जिस तरह से गहराता जा रहा है उससे लोग परेशान हैं और ये नाराजगी जो है वो जल बोर्ड के दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई है। महिलाओं ने जल बोर्ड के दफ्तर पर हंगामा किया। आदित्य कुमार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सीधा आरोप बीजेपी पर आतिशी लगाती हुई नजर आई, चाहे वो पत्थरबाजी का मामला हो और चाहे वो तमाम इलाके जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है समय पर, ये कह रही है कि वो पाइप काटे जा रहे हैं। जी, आपने सही कहा कि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से और आतिशी की तरफ से लगातार जब से पानी की किल्लत दिल्ली में शुरू हुई है तब से कभी हरियाणा या कभी दिल्ली के लोगों के, दिल्ली की जो आम आदमी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर आरोप लगाती रही। अभी दो दिनों से कल कांग्रेस ने भी मटका फोड़ आंदोलन किया था, जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ में, उनके पार्टी ऑफिस के बाहर में जितने भी वहाँ पर ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉक के ऊपर में, साथ ही भाजपा वालों ने भी इसका विरोध किया था और उसी का परिणाम आज भी दिखाई दिया था। बीजेपी वालों ने एक दिन पहले ही इसकी घोषणा की थी कि जितने भी जगह हैं, ब्लॉक हैं या जहाँ जहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस है वहाँ पर आंदोलन किए जाएंगे, उसी के लिए आज जो है विदुड़ी और विदुड़ी के साथ में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए थे, जहाँ पर मटका लेके पहुंचे हुए थे और वो मटका जो है उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के खिड़कियों पे और जो गेट लगे होते हैं गेट के अंदर जो है फेंका उन्होंने, जिसका परिणाम ये हुआ कि जैसा दर्शक वीडियो में देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो कार्यालय था आम आदमी दिल्ली जल बोर्ड का वो टूट गया। उसके बाद जो है बयान आया रमेश विदुड़ी का जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर के साफ जो है कहा कि दिल्ली जल बोर्ड जो पिछले 2014-15 में जितना पानी या पानी के ट्रीटमेंट की व्यवस्था दिल्ली में थी उतनी ही व्यवस्था आज भी है, 10 साल बीत जाने के बाद भी उतनी ही है। जो कांग्रेस ने काम किया था उसी को अगर बढ़ा दिए होते तो उसी को लेकर के थोड़ी सी राहत दिल्ली वासियों को जरूर हो जाती। रमेश विदुड़ी ने यह आरोप लगाया है। रमेश विदुड़ी ने यह भी कहा कि कार्यकर्ता को जो भी लोग आए थे या आम जनता थे उनको इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, इस तरीके की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे दिल्ली जल बोर्ड के जो कार्यालय में क्षति पहुंची है वो ना हो, क्योंकि अंततः ये जनता का ही पैसा होता है और जनता के ही पैसों से दोबारा फिर इन चीजों को रिपेयर किया जाएगा और इन चीजों को रिपेयर करने के बाद में ही जो फिर से कामकाज है वो प्रभावित जो हुआ है वो ठीक हो पाएगा या जो पैसा खर्चा लगेगा वो दिल्ली जल बोर्ड के लिए एक कुछ और सामान जो दिल्ली के लोगों के लिए बेनिफिशियल होता वो ला सकते थे। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था वहां पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए, जनता वहां पर इकट्ठा थी उनके साथ में भी इस तरीके की बात उन्होंने की थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सचिवालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद जो है ये बयान उन्होंने दिया कि दिल्ली सरकार जो है वो काम नहीं कर रही। हालांकि कल हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। चलिए आदित्य, आप हमारे साथ रहिए, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख लेते हैं। दिल्ली में पानी संकट लगातार बरकरार है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली में अलग अलग 14 जगहों पर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी सांसद विधायक प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और आज 14 जगहों पर दिल्ली के सांसद और विधायक जो है वो इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर अलग अलग 14 जगहों पर प्रदर्शन, बीजेपी सांसद और विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आदित्य इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई और लोगों ने मटके तोड़ तोड़ कर प्रदर्शन किया है, ये बताता है कि किस तरह से पानी की किल्लत की वजह से लोग परेशान हैं और इस मामले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जिसके से पानी की किल्लत दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है, ये कंटिन्यू हर साल लोगों को देखना पड़ता है। जब भी गर्मी आती है तो जो टैंकर्स के पीछे पंक्तियां होती हैं, लाइनें लग जाती हैं, ये दिक्कत हर साल देखने को मिलता है। इस बार तो और एक कदम आगे जाकर के क्योंकि मामला जो मुनक नहर है उसकी रक्षा की जानी थी, क्योंकि टैंकर माफिया के पास दिल्ली पुलिस किया गया कि जितने
जो हरियाणा से पानी लेते हुए दिल्ली की तरफ आता है वो 15 किलोमीटर का नहर, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है दिल्ली पुलिसकर्मी खड़े हैं वहाँ पे, और उन्होंने जो है उसकी रक्षा करना शुरू की। और इस तरीके का ये पूरा का पूरा जो दिल्ली पुलिस को लेकर के ये बयान आ रहा था कि सरकार, क्योंकि दिल्ली केंद्र सरकार जो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है, उसके बाद केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई, दिलीप पांडे जो विधायक हैं और मुख्य विहित हैं उन्होंने चिट्ठी लिख करके भी जितने भी राज्य हैं सभी को निवेदन करने के लिए पानी देने के लिए आग्रह किया रहा। उसके बाद हमारे से भी ये बयान आया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान में दिया कि ये हम पानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्ली सरकार और जो हरियाणा है उनको आपके पास आएंगे आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है, सुनिए सर। दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार, बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है, कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहां पर पानी की वेस्टेज हो रही है, ना वो जो उनके एसटीपी पॉइंट है उनको रखाव कर पा रही है, ना वो इस तरह के पॉइंट्स जो वहां पे वेस्टेज हो रही है उनको रोक पा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक आप कहिए अपराध है दिल्ली की जनता के साथ कि इस तरह का काम हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है। द्वारका के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सारी बात पता है, फिर भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इस पानी से लोग यहाँ पर गाड़ियाँ धोते हैं, पानी यहाँ पर वेस्ट होता है और सारा यहाँ पर सीवर के पानी में मिलता है। तो हमारा आज आपके माध्यम से कहना है कि बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है, दिल्ली की जनता की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। तो क्या कुछ कहा गया कमलजीत सहरावत की तरफ से आपने सुना, तमाम मुद्दों को लेकर वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आई। लेकिन इन सब के बीच उससे पहले आतिशी जो कि ये कहती हुई नजर आई कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, तमाम आरोप वो बीजेपी पर लगाती हुई नजर आई, रमेश बिदूड़ी पर तमाम आरोप लगाती हुई नजर आई, कनिका खटियार की इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे रह रही है, कब से प्रॉब्लम है यहाँ पे? अभी तो हम आए एक हफ्ता हुआ है, मम्मी बता सकती है। एक हफ्ते प्रॉब्लम हो रही है पानी की? हाँ, पानी की दिक्कत तो होती है, और भी कुछ लोग हैं पिछले की किस तरह से जो है तमाम जो सुबह सुबह लोग हैं अपनी घरों की बाल्टियाँ और तमाम जो चीज़ें लेके हैं वो निकल रहे हैं और पानी इकट्ठा करके पूरे दिन किस तरह से गुजारा होगा उसको लेकर बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? पानी की समस्या बहुत लंबी है यहाँ पे? हाँ होता है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो गांव से आए। गांव से आए, कहाँ रहते थे? पानी को कम आ रहा है। हाँ बहुत कम आ रहा है पानी, बहुत कम आ रहा है। हाँ शिकायत की आप लोगों ने? नहीं शिकायत नहीं किया। नहीं की? क्यों नहीं की शिकायत? हम लोग नहीं जानता, गांव का आदमी है नहीं जानता। तो रोज आप लोग टैंकर से गुजारा कर रहे हैं? हाँ टैंकर से पानी भरते हैं, टैंकर से गुजारा कर रहे हैं पानी, टैंकर से गुजारा करता है। 30-35 साल से इसे ही टैंकर से गुजारा करता है। हम लोग मट्टी के पानी हमारे गली में नहीं देता है, गली में पानी नहीं देता, गली में पानी देता। गली वही तो शिकायत नहीं किया, वही बात है। यहाँ पे मैं 30 साल से रह रहा हूँ सर, पानी से ही ऐसे तकलीफ हो रहा है, पानी कस्टमर ऐसे पानी के लिए कष्ट है, तकलीफ होता है। कभी 7 बजे पानी का टाइम था, सभी कभी 8 बजे टाइम आता है पानी के लिए। ये जो समस्या है ये केंद्र द्वारा लाई गई समस्या, आपको लगता है कि सरकारों को अपना अपना पलड़ा भारी कर झाड़ लेना चाहिए और दूसरों पे इंतजाम लगा देना चाहिए? सही है? सही नहीं है, पानी एक जमा करता है वो तो पानी के लिए देता है, कभी टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, पब्लिक ऐसे कष्ट है। ये पानी की के लिए तो समस्या पहले था, ठंडी में तो पहले सही आता था, ऐसे गर्मी के लिए पानी कभी आता है, हर बार गर्मी में ऐसे हर गर्मी में आपने किया था, कभी कंप्लेन जा रहा था ऑफिस में तो किया था, कुछ आ जाएगा पानी आ जाएगा, कभी नहीं आता है पानी, कभी 8 बजे आता है कभी टाइम नहीं। मैं आदमी सब काम से निकल जाता है 8 बजे से टाइम है उसका कि ड्यूटी जाने का, ड्यूटी कैंसिल हो जाता है पानी के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार होने के बावजूद वो लोग कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी सरकार है और गलती उनकी है। बीजेपी सरकार है, गलती उसकी है कि पानी के लिए देता नहीं है, क्योंकि आम सरकार था पहले पानी आया था तो इसीलिए आता है, पानी देता नहीं है, क्या करेंगे सब। वैसे मैडम कितने बजे आता है टैंकर? आता था पहले 7 बजे आया था, अभी इस टाइम 8 बजे आता है, कभी कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। जिस दिन टैंकर नहीं आता उस दिन क्या करते? उस दिन हम बहुत कष्ट करते हैं, पानी बाथरूम को लेके, बाथरूम से लेके आती है पानी, क्या करने दिक्कत है? आपको भी समस्या हो रही है पानी की? हाँ सबको हो रही है, सबको हो रही है, सब यहाँ करिए आप लोग। नहीं
नहीं अभी नहीं किया है तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हम क्या पानी चाहिए, पानी चाहिए हम लोग, पानी चाहिए। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि जो एक लंबे समय से पानी की समस्या है उससे लोग जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो लोग हैं एक पानी इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे टैंकर आया था और पीने के पानी का इंतजाम जो है वो टैंकर द्वारा किया जा रहा है, और अगर टैंकर नहीं आ रहा है तो लोगों को बहुत समस्या हो रही है। और दिल्ली में केवल एक इलाके की बात नहीं है, दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे ही दिल्ली में जल संकट भी गहराता जा रहा है। ऐसे कई इलाके हैं देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर लोग टैंकर से पानी भरने को मजबूर हैं, और ऐसे ही एक इलाके में इस वक्त हम हैं जो कुसुम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैन, ड्रम और बाल्टियों की कतार देखने को मिल रही है। एक टैंकर यहाँ पर खड़ा हुआ है और लोग इस टैंकर से पीने का पानी भरने को मजबूर है। एक ही टैंकर से कई कई पाइप निकले हुए हैं और लोग यहाँ पर कतार से लगाकर ये कैन, बाल्टी और गए हुए थे, और अब जब टैंकर आया है तो यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनको अपने घर से कई गलियां आगे आकर ये पानी भरना पड़ रहा है, क्योंकि जो आगे रास्ता है कुसुम पहाड़ी का ये संकरा रास्ता है, इतना बड़ा टैंकर अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या होती है कि बाहर आना पड़ता है। ये अगर यहाँ पे पाइपलाइन डाल दी जाती तो लोगों को इतना बाहर नहीं आना पड़ता। जो इतनी भारी भारी कैन है, 20-20 लीटर की एक कैन होती है, ये उठाकर अपने घर तक नहीं ले जानी पड़ती। पाइप से पानी जो वादा किया जाता था कि हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा, हर घर पर नल लगा दिया जाएगा, वो वादे जब धरातल पर आकर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो खत्म होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से टैंकर से यहाँ पर पानी भरना पड़ता है ये एक समस्या लोगों को कई सालों से यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। किस प्रकार से लोग यहाँ पर परेशान है ये आप विजुअल्स के माध्यम से भी देख पाएंगे कि पानी का पाइप जो टैंकर से निकल रहा है इससे। अम्मा कभी पानी आया है यहाँ पर पाइप से? नहीं नहीं आया बेटा, नहीं आया। कितने समय से ऐसे टैंकर आ रहा है? 20 साल से ही यही हो, ऐसे है। टैंकर के ऐसे आगे घर तक नहीं जा पाता है बिल्कुल। यहाँ कितना कितना दूर है यहाँ से घर? दूर है एकदम, बिल्कुल अंदर 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 है। स्कूल है ना घेरा एकदम पीछे, 1 किलोमीटर के आसपास होगा? नहीं नहीं ऐसे तो इतना नहीं है, मगर है 10। और ये भारी कैन जो है ये उठाकर लेके जानी पड़ती है? लेने जाना पड़ता तो उठवाओ, पैसा लेता है उठाने वाला। हमारे घर में तो कोई है भी नहीं, क्या करें बेटा, हम तो परेशान हैं। पाइपलाइन यहाँ पर डल चुकी है लेकिन उस पाइपलाइन से पानी घरों तक नहीं पहुँचाया जा रहा, तो इस समस्या का सामना लोगों को कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर एक वक्त का पानी पीने के लिए भी लोग तरस रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग बूंद बूंद के लिए भी मोहताज हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर किल्लत है, और इस पानी की किल्लत को लेकर जमकर सियासत हो रही है। जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली सीबी को चिट्ठी भी लिखी है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाइप काटे जा रहे हैं ताकि इस संकट को और ज्यादा गहराया जा सके। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में अलग अलग 14 जगहों पर प्रदर्शन, दिल्ली में जल संकट पर सियासत तेज। दिल्ली की जनता पिछले कई दिन से बूंद बूंद पानी को तरस रही है। लोग टैंकर के इंतजार में घंटों सड़कों पर बैठे रहते हैं, इसके बाद भी उन्हें पानी नहीं मिलता। पानी की किल्लत के बीच अब बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में बढ़ते जल संकट के बीच बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर पानी की किल्लत के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। कल मैंने वीडियो देखी है बीजेपी के नेता की, वो कह रहे इतना पानी यहाँ रिसाव हो रहा है, वहीं आदमी गए हैं, उन्होंने पूरी वीडियो बना के देखी, 3 किलोमीटर वो आदमी पैदल चले हैं, कहीं पानी का रिसाव ही नहीं है, झूठ पे झूठ पुलिंदा बना रखा है इन्होंने। देखिए इसीलिए हम ले आए हैं, देखिए क्या आश्वासन देते हैं, हम तो रिक्वेस्ट करने आए हैं कि दिल्ली की जनता के लिए कुछ सोचें। दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट लगातार बरकरार है। दिल्ली में पानी संकट पर बीजेपी ने जमकर हल्ला बोला, जल संकट पर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में 14 अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल हुए। दिल्ली सरकार के विरोध में बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान पानी की किल्लत से नाराज महिलाएं सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने मटका लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में पानी संकट लगातार बरकरार। दिल्ली में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में अलग अलग 14 जगहों पर प्रदर्शन। बीजेपी सांसद विधायक प्रदर्शन में शामिल। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध। नाराज महिलाएं सड़कों पर उतरी। मटका लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। दिल्ली में गहराते जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी के बीच पानी को लेकर राजनीति चरम पर है। एक तरफ बीजेपी दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए आप सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बता रही है। दिल्ली में पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है। दिल्ली में पानी उपलब्ध मात्रा में हरियाणा पानी जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उससे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट गए वहां से भी जूते खाकर आए हैं। सबको मालूम है, लेकिन इनकी लापरवाही, इनकी चोरी, ये पानी की बर्बादी, ये मूल कारण है जो दिल्ली पानी के लिए तरस रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जल मंत्री आतिशी लगातार इसके लिए हरियाणा और केंद्र सरकार को दोषी करार दे रही हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पे दिल्ली में बहुत पानी की किल्लत है। आज आप वजीराबाद पॉइंट पर जाएंगे जहां पर यमुना का पानी आता है, वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। मुनक कनाल में भी पानी की कमी है। इसके कारण दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कम पानी जा रहा है और दिल्ली में कम पानी प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है, जब पानी का प्रोडक्शन ही घट जाएगा तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिक्कत होगी। दिल्ली में पानी की किल्लत बनी हुई है। अभी भी कई इलाकों में टैंकर का पानी लेने के लिए मारामारी मची हुई है। तो वहीं राजधानी के इस जल संकट को लेकर सियासत भी उबाल पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लोकसभा के